हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट EX को कंपनी ने अभी लेटेस्ट लॉन्च किया है और इसकी प्राइस इसके राइड कनेक्ट एडिशन से लगभग 19,000 रुपये तक ज़्यादा है। तो ये 19,000 रुपये तक ज़्यादा इसकी प्राइस क्यों रखी गई है, क्या कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं, ये जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने वाले हैं। यानी कि सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट और सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट EX दोनों में कितने अंतर आपको देखने को मिल जाती है, इसकी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स यानी कि कलर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट लेते हैं राइड कनेक्ट के साथ, इसमें आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें ग्लॉसी ग्रे, मैट ब्लू, पर्ल मिरेज व्हाइट, मेटेलिक मैट ब्लैक और मेटेलिक मैट बॉर्डियोक्स रेड 5 कलर ऑप्शन मिल जाती है। तो ये जो लेटेस्ट अभी लॉन्च हुई है बर्गमन स्ट्रीट EX, इसमें आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें मैट प्लेटिनम सिल्वर, मैट ब्लैक और रॉयल ब्रॉन्ज शामिल है। तो ये केवल 3 कलर ऑप्शन के साथ मिलती है। बाकी इनके जो डिजाइनिंग है वो लगभग दोनों के सिमिलर है, डिजाइनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। थोड़े बहुत जो एलिमेंट है वो आपको अलग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो एग्जॉस्ट सिस्टम है जो नया अभी EX मॉडल आया है, इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल लुक आप दोनों की देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर इंजन की बात करें तो इंजन में बस थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा। दोनों में 124 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन लगा हुआ है। लेकिन सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट का जो इंजन है 6750 आरपीएम पर 8.7 पीएस का पावर, जबकि 5500 आरपीएम पर 10 एनएम का टॉर्क करती है। लेकिन जो EX वेरिएंट है इसका जो इंजन है 6500 आरपीएम पर 8.6 पीएस का पावर, जबकि 5500 आरपीएम पर 10 एनएम का टॉर्क करती है। और दोनों में की को सेल्फ स्टार्टर दोनों दिया गया है। तो यहाँ पे पावर फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो पावर है हल्की सी कम आपको EX जो नया मॉडल है यहाँ पे देखने को मिल जाती है, टॉर्क दोनों की सिमिलर है। तो ये आपको थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ यहाँ पे इंजन में भी अंतर नहीं है। लेकिन नए वेरिएंट EX में थोड़ा सा रिफाइंड आपको इंजन मिल जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगी। तो ये सस्पेंशन सेटअप दोनों में सिमिलर दिया गया है, फ्रंट के साइड टेलीस्कोपिक और रियर में स्विंग आर्म आपको सस्पेंशन मिल जाती है। टायर साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट में फ्रंट के साइड 90x90 का 12 इंच और रियर में 90x100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। लेकिन EX मॉडल में आपको फ्रंट के साइड 90x90 का 12 इंच और रियर में 100x80 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। यानी कि जो रियर का जो टायर है वो थोड़े से चौड़े और बड़े व्हील के साथ आपको EX वेरिएंट में मिल जाती है, यही इसमें अपडेट किया गया है। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में सिमिलर है, फ्रंट के साइड डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। बात करते हैं इनके फीचर्स की, फीचर्स में कितना आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी हद तक इनके फीचर्स सिमिलर हैं, जैसे कि दोनों में आपको CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। दोनों में LED हेडलैम्प के साथ LED DRS दिया गया है। दोनों में आपको डुअल टोन की सीट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोनों के फ्रंट में रैक दिया गया है, जहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट भी आपको देखने को मिल जाती है। दोनों में ही फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, जहाँ पे टर्न बाई टर्न नेविगेशन, मिस कॉल अलर्ट, कॉलर ID, SMS एंड व्हाट्सएप अलर्ट, ओवर स्पीड वार्निंग, ETA अपडेट, फोन बैटरी लेवल, स्पीड, फ्यूल ऑडोमीटर, क्लॉक, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। दोनों में ये फीचर्स दिया गया है, कोई भी अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोनों में आपको लगेज हुक भी देखने को मिल जाती है। 21.5 लीटर का स्पेस बूट में भी दिया गया है, यानी कि सीट के नीचे आपको स्पेस मिल जाती है हेलमेट रखने के लिए। और इसमें दोनों में आपको फ्यूल भरवाने के लिए आपको सीट ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूल फिलिंग सीट के नीचे दी गई है। इसके अलावा साइड इंजन सेंसर भी दोनों में दिया गया है। इंजन किल स्विच और इजी स्टार्ट सिस्टम दोनों में दिया गया है। लेकिन जो EX मॉडल आया है इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है, साइलेंट स्टार्टर का, यानी कि साइलेंटली स्कूटर स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपको बर्गमन के राइड कनेक्ट एडिशन में देखने को नहीं मिलता है, केवल EX वेरिएंट में मिलेगी। इसके अलावा EX मॉडल में एक चीज़ और भी ऐड की गई है, इसमें SEP दी गई है, यानी कि सुजुकी ईको परफॉर्मेंस, जिसके वजह से आपकी जो माइलेज है वो थोड़ी सी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपको फीचर्स में थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि EX मॉडल में एक और भी आपको नया फीचर्स मिल जाता है, जो कि इंजन ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम है। ये आपको राइड कनेक्ट एडिशन में नहीं मिलेगा, केवल EX मॉडल में मिलेगा। तो ये आपको फीचर्स में डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 4 से 5 जो नए फीचर्स हैं वो नए मॉडल EX में दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस इतना बढ़ गई है। बाकी इनके कुछ डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, तो सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट का जो लेंथ है 1880 mm, V715 mm, हाइट 1140 mm, व्हील बेस 1265 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm, सीट है 780 mm, फ्यूल टैंक 5.5 लीटर और इसका जो कर्व वेट है 110 kg है। लेकिन सुजुकी बर्गमन EX वेरिएंट के साथ इसका लेंथ 1875 mm, V700 mm, हाइट 1140 mm, व्हील बेस 1290 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm, सीट है 780 mm, फ्यूल टैंक 5.5 लीटर और इसका जो कर्व वेट है 111 kg है। तो यहाँ पे इनके जो डायमेंशंस में आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाएगा, जो लेंथ है थोड़ी सी कम EX मॉडल दी गई है, विथ आपको EX मॉडल में कम मिल जाती है, हाइट दोनों की लगभग सेम है, व्हील बेस थोड़ी सी ज़्यादा EX मॉडल की है,
ग्राउंड क्लियरेंस दोनों की सेम है, सीट हाइट दोनों की सेम है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पे 1 kg तक भारी आपको EX मॉडल मिल जाती है, तो ये आपको डायमेंशन में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाएगी। बाकी इनके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि इनकी प्राइस में कितना आपको अंतर देखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि 19,000 रुपये तक ज़्यादा आपको EX नया वाला मॉडल मिलेगा। तो सुजुकी बर्गमान स्ट्रीट का एक्सट्रीम दिल्ली में प्राइस राइड कनेक्ट एडिशन के साथ 93,300 यानी कि 93,300 रुपये तक है। ऑन रोड इसकी प्राइस लगभग दिल्ली में 109,200 यानी कि 109,200 रुपये के आसपास में है, लेकिन वही सुजुकी बर्गमान स्ट्रीट EX मॉडल लेते हैं तो इसका एक्सट्रीम दिल्ली में प्राइस 112,300 यानी कि 112,300 रुपये तक है। तो इसकी ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्स दिल्ली में 128,200 यानी कि 128,200 रुपये तक है। तो यहाँ पे प्राइसिंग में आप EX रूम प्राइस में डिफरेंस देख सकते हैं, लगभग 19,000 रुपये तक ज़्यादा EX मॉडल महंगी है। और महंगी की हुआ मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बता दिया है कहाँ कहाँ पे आपको अंतर देखने को मिल जाता है। काफ़ी हद तक दोनों के फीचर्स सेम है, बस जो 3 से 4 नए अपडेट हुए हैं EX मॉडल में, जैसे कि रियर में 12 इंच का व्हील दे दिया गया है, SCP यानी कि सुजुकी ईको परफॉर्मेंस ऐड कर दिया गया है, इंजन ऑटो स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम दे दिया गया है और साइलेंट स्टार्टर दे दिया गया है। इसी के बदौलत बस इसकी प्राइस इतना बढ़ा दी गई है और एग्जॉस्ट सिस्टम आपको नया देखने को मिल जाता है। बाकी आपको ज़्यादा अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा लेना चाहिए। जितना कंपनी ने EX मॉडल में अपडेट किया है प्राइस उसके हिसाब से ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, 4 से 5 हज़ार तक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कंपनी ने प्राइस काफ़ी बढ़ा दिया है। इसके बारे में आपको क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक से जरूर करें और चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।